हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तड़के वाली चने की दाल और उसके साथ प्लेन पूड़ी। मैंने आटे का पूड़ी बनाया है, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए। आप डिनर में भी बना सकते हैं, मैंने तो डिनर में बनाया था और बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और सबको बहुत पसंद भी आता है। अगर इनके हिसाब से घर पर कुछ सब्ज़ी वगैरह ना हो, अगर आप बनाना चाहें तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन आप उसको 1-1.5 घंटा तक आप उसको दाल को पहले से ही सोख करके रख दें, उसके बाद आप बनाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छे तरीके से पूरे से वॉच कीजिए ताकि आपका ये परफेक्ट रेसिपी अब टेस्टी बनके रेडी हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं पूरी और चने की दाल का तड़का। तो देखिए, मैंने लिया है 1.5 कप चना की दाल। मैंने इसे दो घंटा पहले अच्छे से सोक कर दिया था। इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़े से हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। मैंने 1.5 कप लिया है, चाय के कप से मैंने 1.5 कप लिया है दाल। और थोड़े थोड़े सारे मसाले लिए हैं, हल्दी, मिर्चा और 2 हरी मिर्च बस, और नमक ऐड किया है। और 2 घंटे को दाल को मैंने सोख करके रखा था। अगर आप चाहे तो 2 से 2.5 घंटा आराम से रख सकते हैं और इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि दाल पहले से हमारा सोख है। तो इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि दाल हमारा अच्छे से पक जाए। मैं थोड़ा सा, देखिए दाल के थोड़ा से इतना ऊपर मैंने पानी डाला है। इसे हम इसको पका लेंगे, सीटी लगा लेंगे, दो सीटी में हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए हम दाल का तड़का रेडी करते हैं। और दाल को मैंने 2 सीटी लगाया है और मैंने उसे रख दिया है उसको ठंडा होने के लिए। वो जब तक ठंडा होगा फिर तब तक हम लोग तड़का रेडी करते हैं। मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अगर आप चाहें तो सरसों का भी तेल ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा ज़ीरा, बारीक कटा हुआ 1 प्याज लिया है मैंने, देखिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। इसे हम साथ में ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, देखिए मैंने कितना फ्राई किया है। इसे हल्का सा बस ब्राउनिश भी रहेगा और देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं भी हुआ है साथ में, देखिए पिंकिश है और थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने 1 चम्मच डाला है, मसाला भी ऐड करेंगे हम लोग इसमें, ज़ीरा 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने डाला है, धनिया भी मैंने 1.5 टीस्पून डाला है और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी हम लोग पहले भी ऐड कर चुके हैं दाल में, इसलिए सबको डाल के अच्छे से हम इसको भूनेंगे, ठीक है। सारे मसाले को अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे रख के इसे भून लेंगे पहले। तो देखिए मसाले में ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को और भी अच्छे से भूनेंगे। मैंने 1-1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मसाले को भुना था, उसके बाद मैंने थोड़ा पानी ऐड करके इसे मीडियम फ्लेम पे और हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे।
देखिए कुकर ठंडा हो चुका है। मैंने दाल को मैंने कुकर को खोल के देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दाल कितना तक गला है। देखिए दाल बिल्कुल गल के टूट चुका है। देखिए इतना तक दाल को अच्छे से हम लोग को गला लेना है। उसमें उसको हम डाल देंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे दाल में मसाले को। अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे हम अच्छे से। दो तीन मिनट तक इसको हम भून के फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसे हम भूनते हैं दो तीन मिनट तक। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है, ठीक है। इसमें हम उतना देर तक इसमें भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पर रख के भूनेंगे, तेज़ गैस नहीं करेंगे तेज, क्योंकि ये दाल हमारा हो गया है तो इसके नीचे लग जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे रख के भूनेंगे तो ये अच्छे से भूनेगा। तो दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम पानी। मैंने कुकर में ही डाल के थोड़ा सा पानी जितना मुझे डालना है मैंने उतना पानी इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। आपको जितना डालना है आप अपने हिसाब से ऐड करें, बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा पतला रखेंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इसे हम बस ऐसे पतला रखेंगे थोड़ा। कितना टेस्टी दिख रहा है। अब इसे हम एक और तड़का देंगे दाल को बॉईल होने के बाद। इसमें थोड़ा सा हम बॉईल आने देंगे दाल में। देखिए इसे बॉईल आ रहा है। बस इस टाइम में हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक और तड़का देंगे। इसे ढक के रखेंगे, इसे हम एक और तड़का देंगे। तो मैंने लिया एक तड़का पैन, इसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है। इसके साथ हम ऐड करेंगे दो सूखे मिर्च, लाल मिर्च दो ऐड कर दिया, थोड़ा सा लहसुन। लहसुन जब मैंने बारीक काटा था मैंने इस तरीके का दो लहसुन लिया था, देखिए छोटे साइज का दो लहसुन मैंने उसे बारीक काटा था। थोड़ी सी हींग, इसे हम होने देंगे अच्छे से। बस लहसुन हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिर्चा गुड़ा, बस तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तड़का देंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से तड़का रेडी हो चुका है और ये हमारा तड़का वाला दाल रेडी हो चुका है। सॉरी झांस लग रहा है। ये तड़का वाला दाल रेडी हो चुका है। इसे हम पूरी के साथ, फ्राई चावल के साथ या ज़ीरा राइस के साथ इसे हम खा सकते हैं। और मैं बनाऊंगी इसके साथ आज पूरी, नॉर्मल आटे की पूरी इसके साथ, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आटे की पूरी आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने पूरी के लिए आटा रेडी कर लिया है। मैंने जस्ट थोड़ा सा नमक डाल के बस आटे को गून लिया है और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मैंने एक पूरी फ्राई कर दिया है। देखिए मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, अब मैं दूसरी को फ्राई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से हम सारे पूरी फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए पूड़ी भी रेडी हो चुका है, दाल फ्राई भी रेडी हो चुका है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है और मैं उसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। ये बहुत टेस्टी बना है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीड्सबैक मुझे दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक के बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।